अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेटलेसनेस इन अ सेटेलाइट एंड अ ग्रेविटी फ्री सिस्टम। यानी कि जो सेटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अर्थ के गिर्द, वो उसमें ग्रेविटी नहीं होती, यानी कि उसका वेट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको गौर से देखें। व्हेन अ सेटेलाइट इज़ फ्रीली फॉलिंग इन अ स्पेस, एवरीथिंग विद इन दिस फ्रीली फॉलिंग सिस्टम विल अपेयर टू बी वेटलेसनेस। बच्चों, पहली बात यह कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, आप यहाँ से फ्री फॉल कर दें, जब ये फ्री फॉल कर रहा होगा तो इसमें हर चीज़ जो है वो वेटलेसनेस की स्टेट में होती है। अगर आपको याद है, इससे पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने रियल एंड अपेरेंट वेट डिस्कस किया था, उसमें जब लिफ्ट चेयर का केबल टूट जाए और वो फ्रीली फॉल करे, तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी पर्सन होगा, तो उसका कोई वेट नहीं होगा। तो हमेशा ये बात याद रखें, जब भी कोई बॉडी इस तरह से फ्री फॉल कर रहा हो, तब उसका कोई वज़न नहीं होता, वो वेटलेसनेस की स्टेट में होता है। और ये जो सेटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड, इसका भी वज़न नहीं होता, क्योंकि ये फ्री फॉल की स्टेट में होती है। अब आपको ये मतलब अजीब बात लग रही होगी कि ऑब्जेक्ट तो सर्कल में घूम रहा है, ये कैसे फ्री फॉल कर रहा है। इसी बात को हमने यहाँ पर समझना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो सर्कल में घूमेगा, लेकिन वो ऐसी हालत में होगा जैसे वो गिर रहा हो, लेकिन वो ज़मीन पर गिरता नहीं है, बल्कि ज़मीन के बाहर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर देखें, अर्थ सेटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, द स्टेटमेंट मे बी सरप्राइजिंग एट फर्स्ट बट इट इज इजिली सीन टू बी करेक्ट। हमें पहले तो ये बात हैरान कन लगेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेटेलाइट ज़मीन के बाहर चक्कर लगाती है, हम ये कह रहे हैं कि वो ऐसी हालत में होगी जैसे वो गिर रही हो, लेकिन वो गिरती नहीं है ज़मीन पर। इसकी क्या वजह है, यह ऐसा क्यों होता है, ऐसे हम क्यों कह रहे हैं? तो ये बात हमें स्टेटमेंट जो है वो हमें सरप्राइजिंग लगती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें, इसमें क्या है, आपके पास बच्चों ये ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी हाइट पर है, ये ग्राउंड है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ थ्रो करें, तो ग्रेविटी की वजह से ये सीधा आगे नहीं जाता, बल्कि ग्रेविटी की वजह से इसका स्ट्रेट पाथ इस तरह के कर्व पाथ में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी इस तरह का कर्व पाथ बनाते हुए यहाँ पर आकर गिरेगा। ऐसा ही होता है ना कि ऑब्जेक्ट को तो हमने आगे फेंका है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो इस तरह के कर्व पाथ बनाकर यहाँ पर आकर गिरेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है। हाँ जी, आप बच्चों इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, ये हमारे पास हमारा प्लेनेट है, अर्थ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑर्बिट है जिसके अंदर इसने घूमना है। लेकिन अगर आप इसको इनिशियली स्मॉल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, तो ये इस तरह से कर्वेचर बनाएगा, यहाँ पर आकर गिर जाएगा। आप इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को और बढ़ाएं, तो ये और कर्वेचर इसका चेंज होकर यहाँ पर आकर गिरेगा। आप इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को और बढ़ाएं, कर्वेचर मजीद चेंज होगा और यहाँ पर आकर गिरेगा। आप इसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करें कि गिरने वाली चीज़ का कर्वेचर अगर अर्थ के कर्वेचर से मैच करेगा, तब वो ऑब्जेक्ट ऐसी हालत में होगा जैसे वो गिर रहा हो, लेकिन वो गिरता नहीं है, बल्कि ज़मीन के बाहर चक्कर लगाता है। और ये भी याद रखें, कर्वेचर ऑफ पाथ डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड। बच्चों, ये कर्वेचर ज़्यादा है, स्पीड बढ़ाएंगे ये कर्वेचर कम हो जाएगा, स्पीड और बढ़ाएं ये कर्वेचर और कम हो जाएगा। जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे, कर्वेचर कम होता जाएगा, और आखिरकार ये कर्वेचर जो है वो अर्थ के कर्वेचर से मैच करेगा, तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसी हालत में होगा जैसे वो गिर रहा हो ज़मीन पर, लेकिन गिरता नहीं है, बल्कि ज़मीन के बाहर चक्कर लगाता है। इसके बाद है, इफ़ द ऑब्जेक्ट थ्रोन फास्ट इनफ पैरेलल टू द अर्थ, द कर्वेचर ऑफ पाथ मैचेस द कर्वेचर ऑफ अर्थ। ये वही बात है जो मैंने बताई है, अगर आप इतनी स्पीड से फेंक दें कि गिरने वाली चीज़ का कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर से मैच कर जाए, तब वो ऑब्जेक्ट ऐसी हालत में होगा जैसे वो गिर रहा हो, लेकिन वो गिरता नहीं है, बल्कि ज़मीन के बाहर चक्कर लगाता है। इस तरह से ज़मीन के बाहर घूमती हुई चीज़ें, चक्कर लगाती हुई चीज़ें जो है वो हमारे पास फ्री फॉल की स्टेट में होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इनफैक्ट स्पेस शिप इज़ फॉलिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एट ऑल द टाइम्स, बट ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इट नेवर स्ट्राइक द सर्विस ऑफ अर्थ। तमाम सेटेलाइट जितनी भी हैं, वो हमेशा ऐसी हालत में होती है जैसे गिर रही हो, लेकिन वो गिरती नहीं है, बल्कि ज़मीन के बाहर चक्कर लगाती हैं। सिंस स्पेस शिप इज़ इन फ्री फॉल, ऑल द ऑब्जेक्ट विद इन इट अपेयर टू बी वेटलेसनेस। क्योंकि स्पेस शिप फ्री फॉल की हालत में होती है, जब वो चक्कर लगा रही होती है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ होगी उसका वेट नहीं होगा, वो वेटलेसनेस की स्टेट में होगी। सच ए सिस्टम इज़ कॉल्ड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहते हैं, और इसमें किसी भी चीज़ का कोई वज़न नहीं होता। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।